दोस्तों, अगर आप भी आंद्रे रसेल को एक विस्फोटक ऑलराउंडर मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2019 का छठवां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान में खेला गया। रॉबिन उथप्पा के 67 रन, नीतीश राणा के 63 रन और आंद्रे रसेल के ताबड़तोड़ 48 रनों की तूफानी पारियों की बदौलत केकेआर ने ये मैच अपने नाम किया। आंद्रे रसेल को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उम्दा प्रदर्शन किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी और मैच हार गई। पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 58 रन जबकि डेविड मिलर 59 रनों के साथ मनदीप सिंह 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसेल ने 2 विकेट जबकि पीयूष चावला और लॉकी फर्गुसन ने 1-1 विकेट लिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में अश्विन की एक छोटी सी गलती के कारण ये मैच पूरा ही पलट गया। जी हाँ, दरअसल पारी के 17वें ओवर में शमी ने जब रसेल को क्लीन बोल्ड कर दिया तो अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित किया। इसका कारण अंपायर ने बताया कि पंजाब के 3 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के अंदर थे जबकि नियम के हिसाब से 4 खिलाड़ी घेरे के अंदर होने और एक जीवनदान मिलने के बाद आंद्रे रसेल ने तहलका मचा दिया और छक्कों की बारिश कर दी। जी हाँ, उन्होंने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए और इसके अलावा भी कई बड़े छक्के लगाकर मात्र 17 गेंदों में 48 रन ठोक डाले। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 5 बड़े और लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैच जीतने के बाद जब आंद्रे रसेल से ये पूछा गया कि पंजाब के खिलाफ इतनी खतरनाक पारी खेलने के पीछे का राज क्या है तो इसका जवाब देते हुए रसेल ने कहा कि मेरा रोल टीम में रन गति को बढ़ाना है और जब भी मैदान पर मैं आता हूं तो हमेशा अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने की कोशिश करता हूं। इस मैच में जब मैं आउट हुआ तो मैं काफ़ी दुखी हुआ था लेकिन फिर वो नो बॉल हुई और मुझे एक और मौका मिला अपना खेल दिखाने का और मैंने ये ठान लिया था कि अब मुझे किसी भी हालत में हर गेंद को छक्के के लिए भेजना है और मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि मैं ऐसा कर भी पाऊँ और मैं खुश हूँ कि मैं काफ़ी हद तक ये करने में सफल भी रहा और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुँचाया। दोस्तों, रसेल ने आगे ये भी कहा कि हमारे गेंदबाजों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और पंजाब को ये मैच जीतने से रोक दिया। तो दोस्तों, आपको इस मैच में आंद्रे रसेल की पारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वैसे आपको बता दें इस मैच में पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल और डेविड मिलर ने अर्धशतक ज़रूर लगाया लेकिन फिर भी टीम को जीत नहीं दिला सके। मयंक ने इस मैच में 34 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा डेविड मिलर ने नाबाद 40 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 5 चौके लगाए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए। बाय बाय।